हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शागुतास किचन। आज मैं बनाऊंगी पनीर आलू की सब्जी, जिसे आप प्याज लहसुन के बिना ही बना सकते हैं। लंच में या फिर डिनर में रोटी राइस पराठा किसी के साथ ही सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक पेस्ट बना लेंगे, जिसमें मैंने हरी मिर्ची, अदरक और आधा टमाटर लिए हैं। बाकी का आधा मैं चॉप करके डालूंगी सब्जी में। कढ़ाई में लेंगे हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, जिसमें पनीर फ्राई करने के लिए स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। 250 ग्राम पनीर है, पनीर को मैंने छोटे टुकड़े करके काट लिए हैं। इनको मैं मीडियम फ्लेम पर हल्की सी ब्राउन हो जाने तक 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो बिना फ्राई किए भी बना ही सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सब्ज़ी में टूटते भी नहीं है। मेरे पास मलाई पनीर है, जो फ्राई करने के बाद बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट ही रहती है। अगर आपका पनीर हार्ड हो जाता है ना, तो आप इसे पानी में डिप करके रख दीजिए। उसी तेल में हम आलू फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं। जिस तरीके से हमने छोटे छोटे करके पनीर काट लिए थे, उसी तरीके से हम आलू भी काट लेंगे और इसे फ्राई करके उठा लेंगे तेल से। सब्जी के हिसाब से आधा छोटा चम्मच आप नमक डाल दीजिए, और यहाँ पर तेल थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने कम कर लिए है। आधा छोटा चम्मच जीरा और 1 तेज़पत्ता। अगर आपके पास खड़े गरम मसाले हैं, इलायची, लौंग, दालचीनी ज़रूर ऐड करें। मैंने सिर्फ जावित्री ऐड किए हैं। हल्की सी जब खुशबू आने लगेगी, तभी आप इसमें टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिए थे। तो मिक्स करेंगे, फ्लेम को कर देंगे हम हाई पर। मिक्सी की जार को धोकर मैंने 1 चम्मच के करीब पानी भी डाल दिए हैं, जिससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं। 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, इसके अलावा टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्ची को मैंने चॉप करके ले लिए हैं, मतलब चीरे लगाकर। आधा छोटा चम्मच हम चीनी भी डाल देंगे। प्याज लहसुन के बिना अगर आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा बिल्कुल चीनी ज़रूर ऐड करें। इससे टेस्ट बैलेंस होता है और खाने में अच्छा ही लगता है। मिक्स करेंगे और इन मसालों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आने तक और तेल ऊपर आ जाने तक। कश्मीरी रेड चिली पाउडर आधा चम्मच के करीब, बहुत ही अच्छी कलर आएगा इसमें हमारी सब्ज़ी में। ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें या फिर स्किप कर दीजिए। तो मिक्स कर लेंगे। आधा छोटे चम्मच होममेड गरम मसाला पाउडर, जिसमें इलायची, लौंग और दालचीनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। अगर आपके पास घी है तो आप घी डालें। मसालों को थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे, तेल अलग हो जाने तक और मसाले से खुशबू आ जाने तक। तो 3 से 4 मिनट तक हो चुके हैं, मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम फ्राई की हुई आलू डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों के संग आलू को कुछ देर के लिए भून लेंगे, जिससे थोड़ा सा टेस्ट बस आलू में भी आ जाए। थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, जिससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। मसाले जब अच्छे से पक जाएंगे, इसमें हम सब्जी के हिसाब से गर्म पानी डालेंगे। अच्छे से सब्जी में बॉयल आने के बाद इसमें हम फ्राई की हुई पनीर को डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। पनीर डालने के बाद इसको हम फ्लेम को लो पर कर देंगे और लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे 8 से 10 मिनट। तब तक के लिए हमारी आलू भी बॉयल हो जाएगी और पनीर भी सॉफ्ट होकर मसाले सभी उनमें आ जाएगा। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं और पनीर भी बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में। तो सब्ज़ी की जो ग्रेवी है ना, उसको मैं इसी तरीके से रख रही हूँ। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और बैठ जाएगी, मतलब थोड़ा सा और गाढ़ा हो ही जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसे सर्व करेंगे। घर में एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। सिंपल बंगाली स्टाइल पनीर आलू की सब्ज़ी, लंच में या फिर डिनर में रोटी पराठा राइस किसी के साथ ही सर्व करें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।